स्टूडेंट, आज हम समझते हैं साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जब किसी साझेदार के द्वारा साझेदारी फर्म में किसी एक साझेदार के निष्कासित होने या अवकाश ग्रहण करने वाली कंडीशन होती है और एक साझेदार कोई निष्कासित हो जाता है फर्म से, जैसे ए बी सी तीन साझेदार हैं और तीन साझेदारों में से एक साझेदार या तो अवकाश ग्रहण ले लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इन दोनों ही कंडीशन में साझेदारी का समापन हुआ माना जाता है, क्योंकि ए बी सी तीन साझेदार हैं और सिर्फ दो बचते हैं तो उनकी वो जो साझेदारी बनती है वो एक नई साझेदारी बन जाती है। इस प्रकार हम ये समझते हैं कि साझेदारी फर्म का समापन का मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक साझेदारों में किसी एक साझेदार के द्वारा फर्म से अलग हो जाने पर जो साझेदारी है उसका समापन हो जाता है और नई साझेदारी बना ली जाती है। लेकिन अगर हम साझेदारी फर्म के समापन की बात करें तो चीजें अलग है। साझेदारी का समापन फर्म का समापन। साझेदारी के समापन में कोई एक साझेदार साझेदारी फर्म को छोड़ के चला जाता है, इस प्रकार पुरानी साझेदारी होती है उसका समापन हो जाता है। लेकिन फर्म के समापन की बात करेंगे तो ये माना जा सकता है कि जब किसी साझेदारी फर्म में दो साझेदार हैं और दो साझेदार वाली कंडीशन की दशा में एक साझेदार साझेदारी फर्म को छोड़ देता है या दिवालिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में साझेदारी फर्म के व्यापार को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार का समापन फर्म का समापन कहलाता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 39 भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार ये कहा गया है कि फर्म में जब साझेदारों के मध्य साझेदारी का टूटना फर्म में साझेदारों के मध्य साझेदारी का टूटना फर्म में साझेदारों के मध्य साझेदारी का टूटना या भंजन होना या भंजन होना या समापन या समापन का समझौता की अवधि पूर्ण होना तो समापन की समझौती अवधि पूर्ण होता है। इस प्रकार जो क्रिया होती है उसे हम समापन कहते हैं, तो उसे फर्म का समापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे फर्म का समापन।
को हम समापन के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब सभी साझेदार का व्यापार समाप्त हो जाता है तब उसे समापन फर्म का समापन कह सकते हैं। अब यदि साझेदारी फर्म अलग अलग से साझेदार फर्म का संचालन करते हैं तो इसे साझेदारी का समापन कहते हैं। जब कोई साझेदार है, उन साझेदारों में से कोई एक साझेदार व्यापार का संचालन करता है और उसी साझेदार फर्म को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ साझेदार व्यापार का संचालन करते हैं, उनमें से कुछ साझेदार व्यापार फर्म को छोड़ देते हैं, तो व्यापार के संचालित होने पर इस प्रकार का समापन साझेदारी का समापन कहलाता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं फर्म के समापन में इसमें एक या दो साझेदार फर्म से अलग होते हैं, इसमें सभी साझेदार आपसी संबंध टूट जाते हैं, इसमें व्यापार समाप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन फर्म के समापन में व्यापार पूर्ण तरह समाप्त हो जाता है। साझेदारी के समापन में फर्म का समापन आवश्यक नहीं है कि हो, लेकिन विघटन वाली दशा में फर्म का समापन और साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। फर्म का हिसाब किताब होने मतलब जो साझेदार निष्कासित होता है फर्म से, उसके फर्म साझेदारी के समापन में उसका हिसाब किताब लौटा दिया जाता है, लेकिन विघटन होने वाली दशा में सभी का हिसाब किताब कंप्लीट कर लिया जाता है। साझेदारी का समापन साझेदार की मृत्यु पर, पागलपन पर, दिवालिया पर समापन होता है, लेकिन साझेदारी फर्म का समापन विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे अवधि पूर्ण होना, समाप्त होना, व्यापार अवैध हो जाना, या सरकार के द्वारा कोई नोट या साझेदारी की इच्छा से, इस प्रकार से समापन हुआ माना जाता है। अब फर्म का समापन किन दशाओं में होता है इस चीज को समझते हैं। फर्म के समापन की दशाएं, फर्म के समापन की दशाएं की कौन कौन सी दशाएं होती हैं फर्म के समापन की, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले ठहराव द्वारा समाप्त, ठहराव द्वारा समाप्ति का मतलब किसी भी फर्म में सभी साझेदार अगर आपसी सहयोग से साझेदारी फर्म की समाप्ति के लिए कहते हैं अथवा आपस में कोई अनुबंध करते हैं, वो तो अनुबंध के अनुसार इस प्रकार जब उनका अनुबंध हो जाता है तो वो फर्म को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार साझेदारी सभी साझेदारों की सहमति से निर्मित होती है, उसी प्रकार से ठहराव द्वारा समाप्ति भी सभी साझेदारों की सहमति से समाप्त होती है। दूसरा है अनिवार्य समापन, अनिवार्य समापन का मतलब है कुछ ऐसी कंडीशन है जहां अनिवार्य समापन होता है, जब सब या उनमें से एक को छोड़कर सब दिवालिया हो जाए, एक को छोड़कर सब दिवालिया, एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो जाए, अगर एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो जाए तो इस वाली कंडीशन में अनिवार्य समापन माना जाता है। कारोबार को अवैध घटना के होने पर, अवैध कारोबार में कोई अवैध घटना के घटित होने पर, जब कोई बिजनेस में किसी ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे कारोबार को चालू रखना असंभव हो जाता है, या साझेदारों की साख पर गहरा आघात होता है, या साझेदारी फर्म की साख पर गहरा आघात होता है, तो ऐसी दशा में वह कारोबार अवैध घोषित हो जाता है, ऐसी दशा में इस साझेदारी का समापन हो जाना चाहिए। धारा 41 में कहा गया है यदि कोई कारोबार अवैध घोषित हो जाता है तो उसका समापन किया जाना चाहिए, और इस प्रकार का समापन आपका अवैध समापन कहलाता है। तो अनिवार्य समापन में एक को छोड़कर जब सभी साझेदार चले जाएं, या हमारा कोई कारोबार अवैध घोषित हो जाए, इन दोनों ही दशाओं में
अवैध समापन होता है। अब नंबर तीन आते हैं कुछ संयोग की दशा में। संयोग की दशा में समापन जब कोई संयोग उत्पन्न हो जाए, उस संयोग की दशा में समापन हो जाए, तो ऐसे कौन कौन से संयोग हैं, ऐसी कौन कौन सी कंटेंजेंसी है जिसके आधार पर साझेदारी फर्म का समापन होता है धारा 42 के अनुसार। सबसे पहले यदि किसी निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर, यदि साझेदारी फर्म में कोई निश्चित अवधि पहले से घोषित है और उस अवधि की घोषणा मतलब उस अवधि के समय अवधि पूरी हो जाने पर इस प्रकार साझेदारी फर्म का संयोग की दशा में समापन कहा गया माना जाता है। यदि किसी एक या एक से अधिक कार्यों में स्थापित की गई है उसकी अवधि के बीच में पर, तो ये माना जाए यदि हमारी साझेदारी फर्म एक या एक से ज़्यादा कार्य के लिए या ठहराव के लिए स्थापित हुई है और एक से एक से अधिक ज़्यादा जो कार्य हैं वो सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं, तो उनकी समाप्ति पर साझेदारी फर्म का समापन हुआ माना जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो ये भी संयोग वाली दशा है, यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में भी साझेदारी फर्म का समापन संयोग की दशा में समापन कहलाता है धारा 42। किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाने का मतलब ये है, इस बात से लगाया जाता है कि किसी साझेदार के पास जो भी संपत्ति है उसके पास संपत्ति की अपेक्षा उसके दायित्व अधिक हो जाए, तो ऐसी दशा दिवालिया वाली कंडीशन कहलाती है, तो इस प्रकार साझेदारी फर्म का समापन। इसके बाद एक्सिट साझेदारों की सूचना द्वारा सभी साझेदार अब ऐच्छिक रूप से इस प्रकार का कोई सभा करते हैं कि हमें साझेदारी फर्म को समाप्त कर देना है, तो लिखित रूप से सभी साझेदार अपनी सहमति प्रकट करके ऐच्छिक सूचना के द्वारा कोई अपनी बीत जाने पर या किसी रूप से सहमति पर इस प्रकार का समापन ऐच्छिक रूप से साझेदारी फर्म का समापन कर सकते हैं धारा 43। तैतालीस के बाद न्यायालय द्वारा समाप्ति। न्यायालय द्वारा समाप्ति का मतलब इस बात से लगाया जाता है कि कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं कि न्यायालय में कोई बात प्रस्तुत किया गया साझेदारी फर्म के प्रति या कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिससे कोर्ट को अपना निर्णय देना पड़ा कि साझेदारी फर्म को बंद कर दिया जाना चाहिए, तो ऐसी कौन कौन सी दशाएं हैं जिनमें न्यायालय हमें आदेश दे सकता है कि आप अपनी साझेदारी फर्म को समाप्त कर दें। तो किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म में शामिल है तो ऐसा व्यक्ति वह पागल हो गया है जिसे किसी उसके लिए इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता है कि वह अपनी संपत्ति के लिए दायी रहेगा या इस बात की कोई घोषणा रहे, तो इस ऐसी वाली कंडीशन में जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म में है और वह पागल हो जाए, तो पागल साझेदार को कोई मित या प्रतिनिधि इस समाप्ति के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है, यदि उसका कोई मित्र है या कोई साझेदार है वो इस प्रकार का कि हमारा दूसरा साझेदार पागल हो गया है, इस कंडीशन में साझेदारी फर्म का समापन हो, तो न्यायालय इस बात का निर्णय दे सकता है कि इस फर्म का समापन हो। किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, यदि वो साझेदार साझेदारी फर्म में काम कर रहा है वह स्थायी रूप से अपंग हो जाए या असमर्थ हो जाए कार्य करने के लिए, तो इस प्रकार भी उसका कोई न्यायालय में इस प्रकार के दूसरे साझेदार द्वारा बातचीत किया जा सकता है कि साझेदारी फर्म का समापन कर दिया जाए। अब अयोग का मतलब ये है जैसे अंधा हो जाए या अन्य कोई अयोग्यता हो जाए या हाथ पैर कट जाए या अन्य कोई ऐसी घटनाएं होती है जिससे साझेदार कार्य करने में असमर्थ हो, तो ऐसी दशा में साझेदारी फर्म का समापन किया हुआ माना जा सकता है। किसी साझेदार के दुराचरण के द्वारा, अगर कोई साझेदार दुराचरण के लिए कोई
जोड़ाचरण का कोई कार्य करता है तो इस दशा में भी साझेदारी फर्म को भंग करने, कारोबार करना, जुआ खेलना, जुआ सट्टे का व्यापार करना इस प्रकार के, या अवैध व्यापार करना, तो इस प्रकार के कार्य के लिए भी साझेदारी फर्म का समापन के लिए कोर्ट में आज एप्लीकेशन प्रस्तुत की जा सकती। किसी साझेदार के द्वारा साझेदारी ठहराव भंग होने पर यदि कोई साझेदार जानबूझकर या लगाकर फर्म के प्रबंध से संबंधित मामलों में अपने फर्म के संचालन से संबंधित ठहराव को भंग करता रहता है या उनकी अवमानना करता है, तो ऐसी दशा में भी कोई दूसरा साझेदार बात करके न्यायालय में जा सकता है और उसे साझेदारी फर्म को सौंप करने के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय इस बात का आदेश देगा कि इस फर्म का समापन कर दिया जाए। किसी साझेदार का भाग का हस्तांतरण होने, कुर्की होने या बिकने पर यदि कोई साझेदार पर पहले से कोई अन्य कोई व्यक्तिगत बात है या अन्य कोई कार्य है जिस कंडीशन उसकी जो संपत्ति है उसका भाग है सरकार के द्वारा रिकवरी कर दिया गया है, तो न्यायालय उस साझेदार के बाद के प्रस्तुत कर उस साझेदारी फर्म को सौंप करने के लिए आदेश दे सकता है। हानिप्रद कारोबार की दशा में ऐसे कई सालों से साझेदारी फर्म हानि वाली कंडीशन में साझेदारी का व्यापार कर रही है और इस हानि वाली कंडीशन में हानि हर प्रतिवर्ष साझेदार हानि झेल रहा है, तो उस कंडीशन में ही साझेदार न्यायालय से साझेदारी फर्म को सौंप करने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय इस बात को साझेदारी के समापन के लिए कह सकता है। समाप्ति की उचित न्यायपूर्ण होने पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी आधार पर या किसी कारण से फर्म की समाप्त उचित या न्यायपूर्ण न जान पड़े, न्यायालय में फर्म की समाप्ति की आज्ञा के और न्यायालय के द्वारा कोई अन्य किसी कारण से भी न्यायालय चाहता है कि आपका समापन कर दिया जाए तो ऐसा समापन किया जा सकता है। न्यायालय कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि किसी शत्रु देश से व्यापार करने पर या दुराचरण के लिए या अवैध व्यापार करने पर न्यायालय भी इस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है कि साझेदारी फर्म का समापन। तो आज हमने साझेदारी फर्म के समापन की दशाओं को समझा है, कल आगे कटौती।